नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26. द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली देन शो डेट ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस वी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी एन प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो. ओके, देखो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है. एंड हमें गिवन क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी. देखो ए क्या गिवन है हमें, ए गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी दैट इज एस पी एंड इट इज इक्वल टू पी अपॉन टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी. यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी एंड डी है कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी, ठीक है. एंड सिमिलरली बी क्या गिवन है हमें, देखो बी गिवन है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ठीक है. सो इट इज इक्वल टू एस क्यू एंड ये आ जाएगा क्यू अपॉन टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी. एंड सी इक्वल टू गिवन है सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स, तो ये हो जाएगा एस आर इक्वल टू आर अपॉन टू इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी. तो देखो हमें प्रूफ करना है कि ये जीरो है, ठीक है. तो इसको हम लिख लेते हैं, हमें प्रूफ करना है. देखो ए है ए अपॉन पी ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी एंड प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू. एंड हमें ये प्रूव करना है कि ये जीरो है. तो क्या करना है हमें, सिंपली ए इक्वल टू ए और बी इक्वल टू ए और सी इक्वल टू ए, ये हमें पुट करना है ए बी सी की वैल्यू, ठीक है. या हम इसके लिए और काम कर सकते हैं, देखो ये है ए इक्वल टू ये है पी अपॉन टू, ठीक है. तो इस पी को हम इधर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन पी. देखो यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, देखो ए इक्वल टू है पी अपॉन टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी. तो इस पी को इधर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा ए अपॉन पी इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है. सिमिलरली क्यू को इधर ले जाएंगे इस साइड, सो ये आ जाएगा बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी. एंड ऐसे ही हम आर को इधर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा सी अपॉन आर इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी. नाउ हम यहाँ पे ए अपॉन पी की जगह इसको पुट कर सकते हैं एंड बी अपॉन क्यू की जगह इसको एंड सी अपॉन आर की जगह इसको पुट कर सकते हैं. तो पुट करते हैं, देखो ए अपॉन पी की जगह हम पुट कर रहे हैं वन बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी. एंड यहाँ पे है इंटू क्यू माइनस आर, तो आ जाएगा इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू की जगह पुट किया तो आ जाएगा वन बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी एंड इंटू आर माइनस पी एंड प्लस सी अपॉन आर की जगह ये पुट किया तो आ जाएगा वन बाई टू इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी एंड इंटू पी माइनस क्यू. अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो तीन टर्म्स हैं इनमें से वन बाई टू कॉमन लिया तो आ जाएगा वन बाई टू, ठीक है. एंड ये हो जाएगा टू ए, देखो एक क्यू माइनस आर है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ, तो आ जाएगा टू ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी पी माइनस वन इंटू
क्यू माइनस आर इंटू डी, ठीक है, एंड प्लस देखो इसमें भी आर माइनस पी का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा टू इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी प्लस, देखो यहाँ पे भी पी माइनस क्यू का मल्टीप्लाई टू ए और आर माइनस वन इंटू डी के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट, तो देखो ये आ जाएगा वन बाय टू, देखो इसमें से और इसमें से टू ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो इनमें से हमने टू ए कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा क्यू माइनस आर, मतलब यहाँ पे बचेगा देखो क्यू माइनस आर आर माइनस पी तो प्लस आर माइनस पी एंड प्लस पी माइनस क्यू प्लस, यहाँ पे देखो इसमें से और इसमें से डी कॉमन लेंगे, तो ये डी कॉमन लिया एंड देखो यहाँ से डी कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। नाउ इसमें से देखो डी कॉमन लिया तो क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी बचा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस क्यू आर, ठीक है, माइनस पी क्यू एंड ये आ जाएगा माइनस आर प्लस पी, ठीक है, और यहाँ से डी कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा पी आर, ठीक है, आर इंटू पी माइनस क्यू, सो ये आ जाएगा आर पी माइनस क्यू आर, ठीक है, माइनस पी प्लस क्यू, अब देखो ये आ जाएगा वन बाय टू इंटू टू ए, देखो ये जो प्लस क्यू है ये माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर से एम माइनस पी प्लस पी से, सो ये बचेगा टू इंटू जीरो, ठीक है, प्लस डी इंटू, देखो ये जो पी क्यू है ये माइनस पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा, एम माइनस पी आर प्लस पी आर से एन माइनस क्यू प्लस क्यू से एन प्लस आर माइनस आर से, ठीक है, एन प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर से, अब बचा ये प्लस पी, ये माइनस पी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जीरो, तो बी गेट वन बाय टू इंटू जीरो, ठीक है, डेट इज जीरो, तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड।